छोटे छोटे, ये बहुत बड़े, ये मम्मी धुल रही है। सूर्य भगवान निकल आए हैं एकदम। आज इसको तोड़ ले, दूध भरे रखे हैं। हमसे कहा तो है अखन टॉयलेट कर, नहीं अब नहीं, नहीं कर रहा हूं। सूर्य दिया है रखे हैं, हम तो ना रखे भुलाई जाए तो मत। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सब वो बता सकते हैं मम्मी क्या धुल रही है? वो था अरबी का पत्ता, तो आज बनेगी उसकी सब्जी। पर उसके पहले मैं बना लेती हूँ चाय, और वो मैं बनाई थी दरिया नाश्ते के लिए, क्योंकि खाना में थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी पत्ते में सब्जी में टाइम लगती है। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है, और ये है दरिया। दरिया ठंडी हो गई, सबको दे देती हूँ खाने के लिए, उसके बाद दूंगी मैं चाय। और इधर मैंने कर लिया है पूजा, आई थी वही देखने की अगरबत्ती जल रही तो जल रही है, पूजा हमारी हो गई है। चलिए चलती हूँ किचन में। तो सब लोगों का हो गया नाश्ता, और हमने पी लिया चाय, और इधर हमने डाल दिया चावल। अब चलिए चलूँगी मसाला पीसने में। पाता में डालने के लिए हम पीस लेंगे यहाँ पर मसाला। तो मसाले में क्या क्या चाहिए? प्याज, मम्मी धुल उल के रखी है पत्ता, बस मसाला पीसना है। उसके बाद बनेगा आज पत्ते का, अरबी के पत्ते का सब्जी। तो कौन कौन बनाया खाया प्लीज़ कमेंट बताइएगा। तो सारे मसाले हम सील पे रख देंगे, और इसमें थोड़ा ले लेंगे खड़ा मसाला, मतलब धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और खूब सारा प्याज लहसुन, क्योंकि इसमें मसाला ज़्यादा पड़ता है। चलिए अब इसको हम पीस लेते हैं। तो सारे मसाले हम पीस लेंगे, उसके बाद चलेंगे किचन में। तो किचन में मैं दिखाऊंगी कि मम्मी कैसे बनाएंगे, तो आप सब बने रहिएगा फ्रेंड ब्लॉग में। तो पहले हम ले लेंगे बेसन किसी बड़े बर्तन में, और जितना मसाला पीसे थे इसमें धनिया और सारे मसाले डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। तिहाई मसाला हम डाल देंगे बेसन में, ये देखिए, और इसको अच्छे से मिला लेंगे बेसन और मसाला। पानी डाल, मसाला पीसने के बाद उसमें डाल देंगे पीसी हुई हल्दी, और सारे मसाले मिला के फिर बेसन में डालेंगे। एक एक अरबी का पत्ता ले लेंगे, और थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके ऐसे लपेटते जाएंगे जैसे मम्मी लपेट रही हैं। जितना पत्ता लपेट पाए आप उतने पत्ते में ऐसे बेसन को लगाते जाएं, ये देखिए, और पत्ता उल्टा करके बीच से फाड़ के जैसे मम्मी लगा रही हैं, देखिए। अपनी माइक सब कुछ खवाओ का दुई दाई मेहरारू से कहे हैं, मेहरारू कहीं हमसे नहीं बनत ल। अरे करा चाहत मने करे सीखे दई में, अच्छा लगे इतनी लाइट देत हैं। कहिए लपेटत की बड़ा तर के पतवा है चक्कूस कटाबो न करी बड़ा पत्ता। तो देखा आप सबने फ्रेंड, मम्मी ने कैसे सारे पत्ते लपेट के और इसको धारदार किसी चक्कू या हंसिया से काटिए, तो मम्मी हंसिया से काट ली, चक्कू से कटेगा भी नहीं। तो अब इसको हम करेंगे फ्राई थोड़ी देर बाद। भवानी गढ़ में एक महीना रहा रहे हैं, जब बनाई तब बोलो आई
प्याज रोटी दे दो भूख लग के। तो इसको बड़े आराम से पलटेंगे, नहीं तो जो पत्ता लपेटा गया है ये निकल जाएगा। देखिए कितना धीरे धीरे हम पलट रहे हैं। इसी तरह पलटेंगे और धीरे धीरे तेल छान के निकाल लेंगे। और ये बहुत मुझे पसंद है, सच में मम्मी मेरे कहने पे मेरे लिए ही बना रही हैं। इसको ऐसे भी फ्राई करके आप रख के खा सकते हैं, 2-3 दिन रख दीजिए फिर फ्राई कर लीजिए जब खाने का मन करे। तो अभी तो मेरे यहाँ ऐसे ही सब लोग खाएंगे, पहले फ्राई खाएंगे फिर बनेगी इसकी सब्जी मसालेदार। तो आप सब बने रहिए ब्लॉग में और देखिए कैसे बनती है। जो जानते हैं उनके लिए तो सरल है, जो नहीं जानते उनके लिए बिल्कुल न्यू रेसिपी है और बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो सारे सही ना हमने फ्राई कर लिया और इधर मम्मी पत्ते में सब में लपेट चुकी हैं और इधर बेसन में थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना दी हैं। थोड़ा सा डालेंगे बाद में जब मसाला घोल लेंगे। तो तेल तो पहले ही गर्म था कढ़ाई में, अगर कम है तो डाल लीजिए, ज़्यादा है तो निकाल दीजिए। और इतना ही बचा है बाकी सब लोग खा लिए। तो हम कढ़ाई में डाल दिए मेथी प्याज और इसको भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे मसाला पिसा हुआ और इसको खूब भूजेंगे जब तक पक नहीं जाता। जैसे रिंग बोली बोली मसाला डाल दिए पक जाए तब उसमें इसको डालेंगे। पहले बेसन डाल देंगे। तो आप सब बने रहिए ब्लॉग में, कहीं मत जाइएगा। भागते हैं ब्लॉग में, खा लग रहा है सिरका खा लेता नीचे। तो मसाला पक गया, अब इसमें घोला हुआ बेसन डाल देंगे, आराम से डालेंगे और चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुलटी ना पड़े और इसको पका लेंगे। तो रसे में डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने पहले भी थोड़ा सा बेसन में डाला था इसलिए थोड़ा सा ही डालेंगे, आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको पका लेंगे जब तक ये भी अच्छे से तेल ना छोड़ दे। तो नहीं वो उसमें से हम बोले कि कटा तो रसा हमारा पक गया। अब इसमें एक एक सहीना डालेंगे ताकि छिट्टा ना पड़े। इकट्ठा डाल देंगे तो छिट्टा पड़ जाएगा और डालने के बाद भी इसको सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे क्योंकि रसा हमारा वैसे ही पक गया है। और इसको ज़्यादा पका देंगे तो गल के अलग अलग जो परत बनी है अलग हो जाएगी। तो देख सकते हैं सही ना हमारा पक गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सेक ली रोटी और चावल पहले ही बना लिया था, डाल दिया था। तो चलिए सबके लिए मैं निकाल देती हूँ खाना। और गिरिन भाग कैसे, कहाँ बड़ी मम्मी कब गिरिन देखे तो भागी आऊँ। तो सबके लिए मैंने खाना निकाल दिया, अब मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए। और फ्रेंड अब यहाँ पे मैं ब्लॉग समाप्त करती हूँ क्योंकि सारा दिन इसी में बीत गया। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। अगर रेसिपी हमारी अरबी की पत्ते की अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। देख सकते हैं खाना हमारा।